हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह का ग्राफ बनाना बताऊंगी। ये जो हैं बिल्ली के पंजे हैं, ये किस तरह से बनता है ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक बेस बना के रखा हुआ है, एक सैम्पल बता रहे हैं हम आपको। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, दो कलर लेने हैं, तो मैंने दो कलर लिए हुए हैं। और आप जहाँ से भी आपको ग्राफ शुरू करना है, वहीं बीच से जो हैं आप निडल्स को आगे की तरफ कर देंगे। और दो निडल हैं, एक का गैप है यहाँ पर, तो मैंने दो निडल को आगे की तरफ कर दिया है। और यहाँ पे एक निडल का यहाँ पे गैप किया है। देखिए, एक निडल का यहाँ पर गैप हुआ है। फिर जो है हम कैरेज के जो हुक हैं, इनको हम पीछे की तरफ करेंगे। दोनों हुक को स्वेटर 8 नंबर पर बनता है, इसको मैंने सेट कर रखा है पहले से ही। और फिर हम कैरेज को चलाएंगे, फिर हम अपना कलर लेंगे जो भी आपने चूज़ किया है, और इसको हम बिनना शुरू कर देंगे। यहाँ पे हम एक गांठ बांध देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो निडल हैं गैप वाली, इसको भी आगे की तरफ करना है। यहाँ पे टोटल जो है ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 निडल को आगे की तरफ करना है। और नीचे वाली ये जो मिला के हो जाएंगी गैप वाली को, ये हमारी 5 हो जाएंगी। तो पहले हम इन्हीं निडल्स को आगे की तरफ कर देते हैं। गैप वाली को भी मैंने आगे की तरफ कर दिया है, और ये 2 3 4 और ये 5। और फिर हम साइड साइड से एक बढ़ा देंगे, दोनों साइड से 1 2 3 4 5 6 7, 7 निडल आपकी आगे की तरफ हो गई हैं। तो कैरेज को चलाएंगे, फिर हम इसको बिनेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ, ये देखिए यहाँ पे जो 7 निडल हम बिनेंगे, इसके बाद हमें एक बार इसको 7 बार और बिनना है। तो यहाँ पे मैं पहले से आपको बिन के दिखा दे रही हूँ, आप इस तरह से आप इसको रिपीट कर लेंगे। ये 7 बार मैं कर ले रही हूँ, और इसके बाद एक बार और इसको रिपीट करेंगे। और इन्हीं निडल को हम आगे की तरफ कर देंगे। फिर हम कैरेज चलाएंगे और इसको भी हम बिन लेंगे। अब ये 7 बार ये हमारे रिपीट हो गए हैं, 2 बार। अब ये 5 निडल हैं, यानी कि साइड साइड की हम एक एक निडल छोड़ देंगे, जो बिनी हुई हैं दोनों साइड से हम छोड़ देंगे। और यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, फिर कैरेट चलाएंगे हम और इसको भी हम बिन लेंगे। ये हमारा बिन गया है। अब हम यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ से दोनों साइड की एक निडल छोड़ देंगे, और 3 निडल को हम आगे की तरफ करेंगे। साइड साइड से जो है हम छोड़ देते हैं बिनी हुई, 1 2 और ये 3। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हम दूसरा कलर यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने एक निडल का गैप किया है, और हम यहाँ पर एक निडल का गैप करेंगे, और यहाँ पे 2 निडल आगे की तरफ करेंगे। एक निडल यहाँ गैप कर दिया मैंने, और 2 निडल इधर से हमने आगे की तरफ की हैं, और यहाँ से भी एक निडल का गैप करेंगे, और 2 निडल इधर से भी हम आगे की तरफ कर देंगे। और ये वाली जो निडल है हम दूसरे कलर से बनाएंगे, और जो ये 3 हमने निडल आगे की तरफ की हैं उनको हम रेड कलर से ही बनाएंगे। फिर हम कैरेज को चलाएंगे, ये 3 निडल जो है हम बीच वाली, उनको हम रेड से बुन लेते हैं। इसके लिए मैंने दूसरा कलर ले लिया है, ऐसे गांठ बांध देंगे जिससे हमारी ये धागा ना निकले। ये देखिए, सिर्फ उन्हीं निडल्स को आगे कर रहे हैं जो हमने दूसरे कलर से भी नहीं है, येलो कलर से यहाँ। और यहाँ पर अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसी निडल को हम आगे की तरफ कर देंगे जो हमने येलो कलर से बिनी है। फिर हम कैरेज को चलाएंगे,
अब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो हमने ये येलो कलर से ये निडल जो बिन ली थी, इसके बराबर से ये देखिए ये दो निडल हम आगे की तरफ करेंगे, बिनी वाली को छोड़ देंगे और इसके बराबर वाली दो निडल को हम आगे की तरफ करेंगे। इधर से भी हम बिनी वाली को छोड़ देंगे और इधर से हम बिनी वाली के बराबर से दो निडल को आगे की तरफ करेंगे, कैरेज को चलाएंगे, फिर इसको हम येलो कलर से बिनेंगे। अब ये कंप्लीट हो गया है यहाँ तक प्रोसेस। अब इन्हीं निडल्स को हम जो हमने बिनी है इन्हीं को हम आगे की तरफ कर देंगे, चलाएंगे और इसको हम बिन लेंगे। अब ये देखिए यहाँ से हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से हमारा ये डिजाइन बनेगा। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हमें ऊपर का जो स्वेटर बनाएंगे हम, तो कैरेट की हुक को आगे की तरफ कर देंगे, दोनों हुकों को, एक इधर से भी, और ये हमारा हाथ किस तरह से आएगा ये मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। हम निकाल देंगे, इस तरह से हमारा ग्राफ आ गया है।